नमस्ते प्यारे बच्चों, मैं सिंधु सूर्यवंशी आप सबका संत तुकाराम नेशनल मॉडल स्कूल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा पहली विषय हिंदी। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने हिंदी वर्णमाला में स्वर और व्यंजन सीखे हैं। स्वरों में हमने स्वरों के कुछ शब्द और स्वरों का अर्थ समझा है, तो आज की वीडियो में हम स्वरों को लिखते कैसे हैं यह सीखने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं। स्वर का मतलब है जो अक्षर कंठ से या गले से बड़ी सहजता से निकलता है उसे हम स्वर कहते हैं। जैसे कि अ आ ई ई, यह स्वर है और यह स्वर बड़ी सहजता से हमारे गले या कंठ से बाहर निकलते हैं और अक्षर बन जाते हैं, तो हम उसे लिखना सीखते हैं। तो चलो शुरू करते हैं। देखो, हमारा पहला स्वर है अ। अ को ऐसे लिखते हैं। हमारी हिंदी में 11 स्वर है और 2 स्वरादि है। पहला स्वर है अ, अ को ऐसे लिखते हैं। तो चलो, अ के आगे का स्वर है आ। आ को ऐसे लिखते हैं। अ के आगे एक रेशा देने पर आ बन जाता है। अब आ के आगे है ई। इसे हम छोटी ई की मात्रा भी कहते हैं। ई के आगे आता है ई। इसे हम बड़ी ई की मात्रा भी कहते हैं। इस ई के आगे है उ। इसे उ कहते हैं। उ के बाद आता है उ। इसे हम बड़ी उ की मात्रा भी कहते हैं। उ के बाद आता है री। री ऐसे लिखते हैं। री के बाद है ए। इसे ए की मात्रा कहते हैं। ए के बाद आता है ऐ। चलो देखते हैं ऐ को कैसे लिखना है। यह है ऐ। इसे ऐ की मात्रा कहते हैं। ऐ के बाद है ओ। यह है ओ। ओ के बाद है औ। इसे औ की मात्रा कहते हैं। औ के बाद आता है अम। अ के ऊपर एक बिंदी लगाने पर इसे अम कहते हैं। यह स्वरादि है। अम के बाद आता है अह। अह को अ के आगे दो बिंदी लगाने पर अह ये अक्षर बनता है। तो चलो बच्चों, हम फिर से एक बार दोहराते हैं हमारे स्वर। तो अ आ ई ई उ उ री ए ऐ ओ औ अम अहा। तो बच्चों, आज हमने स्वरों को लिखना सीखा है। मैं आशा करती हूँ कि आप सबको यह वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद बच्चों।